वेलकम टू इंडियन ओवरलैंडर। आज एक बार फिर आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लाया हूँ। इस गाड़ी को तो आप सारे वीडियोस में मेरे देख ही चुके हैं, और आपको याद होगा अजय जी से हम लोग मिले थे, उनकी ऑरेंज गुरखा बहुत फेमस हो गई एंड ही हैज़ डन सम इनक्रेडिबल टेक्निकल चेंजेस टू हिज कार, जिसकी वजह से वो एक ओवरलैंडिंग के लिए बहुत अच्छी गाड़ी बन चुकी है। एंड उसके अंदर उन्होंने जो टेक्निकल चीज़ें करी है वो मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वाले वीडियो में। खुशी की बात यह है कि अब उन्होंने और भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं, और उसमें विजुअल भी हैं और टेक्निकल चेंजेस भी हैं, और जो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक अजय जी, वेलकम बैक टू इंडियन ओवरलैंडर। वेलकम मनोज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। एवरीबॉडी, सबको आपके वीडियो, आपकी नॉलेज से बहुत हेल्प मिली। बहुत लोगों के इतने टेक्निकल क्वेश्चंस भी आए थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया था। आई एम रियली रियली हैप्पी दैट यू हैव मेड सम मोर चेंजेस योर कार, कि हम उनको और भी चेंजेस दिखा पाए। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर इज द अपडेटेड गुरखा ऑफ अजय जी। इसमें एक नजर में आप लोग अगर बता पाए मुझे कि क्या चेंजेस लग रहे हैं, एट बी कॉमेंट सेक्शन में। बट एज वी गो अलॉन्ग इन द वीडियो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग everything to you and showing you all the new changes and all the technical changes that he has done. So Ajay ji, it's looking fantastic, it's looking like a beast again and कुछ एक दो चीज़ें तो एकदम दिखने में मुझे सामने से ही पता चल गई। अपने ग्रिल के बारे में बताइए। मैंने चेंज किया है ये सामने का। हाँ जी। और ये गुफा, ये लोगोज, हाँ जी, स्टाइल में है, बिल्कुल 3D स्टाइल में, 3D जी उभरे हुए हैं। इसका इफेक्ट दूसरा आता है। साथ में आपने जी फोर्स अपना लिखवाया, ये भी उभरा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आर खुकरी लोगो, जो एस्ट्रिक्स पे आप लोग सब देख रहे हैं शुरू से। सर ने इसको और भी इम्प्रूव करके और भी अच्छे तरीके से लगाया है। सर, सबसे पहली चीज जो मेरी नजर जा रही है, आपकी गाड़ी अब थोड़ी ऊंची लग रही है। हाँ, ये जो है मानुज, इसमें मैंने लिफ्ट किट इंस्टॉल किया है। ब्लू गैरेज वाला लिफ्ट किट है। That's the only one जो भी इंडिया के लिए अपना गुरखा के लिए आता है। और इसके ऊपर मैंने काफी काम किया है टेक्निकली। टेक्निकल पॉइंट्स हम उसके बारे में बात करेंगे। काफी लोग कहते हैं कि लिफ्ट किट लगाने से गाड़ी के जो सस्पेंशन के पार्ट्स हैं, एक्सल है, उनको काफी हार्म होता है। एंड आई एग्री विद देम टू एन एक्सटेंट कि अगर आप बहुत बड़ा लिफ्ट कर दो तो गाड़ी के अंदर जो एक्सल वगैरह होता है उसके अंदर डैमेज हो सकती है चीजें। बट दिस इज अ वेरी माइनर लिफ्ट, इट्स नॉट टू मच, आई थिंक इट्स अंडर 50 mm, तो इसमें इतना इशू आना नहीं चाहिए। इसका मैं तुम्हें टेक्निकल डिटेल्स बता देता हूँ क्या है। नॉर्मली ऐसा होता है कि 50 mm से अगर नीचे या 45 mm से अगर नीचे तक का लिफ्ट जो है उसमें जनरली तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पैरामीटर्स चेंज होते हैं वो जो मैन्युफैक्चर के पैरामीटर्स है वो उसके उसके अंदर ही, लिमिट के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कुछ कि तुम्हें कुछ टेक्निकली कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े। जो मेन चेंजेस हैं वो ब्लू किट में अवेलेबल हैं। इसमें मैंने जो ब्लू किट डाला है, इसमें मैंने एक किया है चेंज जो है वो मैंने बड़ा बम्प स्टॉप लिया है। नॉर्मली जो मैंने लिफ्ट करने से पहले इसका जो बम्प स्टॉप गैप था वो 1 inch का था। जी। इस वक्त इसका बम्प स्टॉप गैप जो है वो 2 inch के आसपास है, 2 inch के पास लगभग। उसको थोड़ा सा और कम करना है, 1.5 inch तक का हो तो अच्छा है। जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसमें हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आपने टायर्स भी बदले? टायर्स मैंने बदले हैं। मैंने एक साइज बड़ा टायर किया है। मेरे पास पहले LTX फोर्स का LTX टायर था। दे आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टायर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर ऑन रोड ट्रैवलिंग दे आर द बेस्ट। फॉर रेगुलर हाईवे यूज दे आर रियली फैंटास्टिक टायर्स, नॉइजलेस, एंड दे गिव यू वेरी वेरी कंफर्टेबल राइड बिकॉज ऑफ द रबर दैट मिशेलिन यूजेस। आपने अब क्या करा है? तो मैंने क्या किया है, मैंने ये रडार के टायर लिए हैं, 245/75/16 टायर हैं। ये एक साइज बड़ा टायर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक साइज बड़ा टायर है। उसका फायदा बहुत बड़ा है ये। एक तो
इसका जो है वेट और जो ओरिजिनल टायर का वेट है इसमें सिर्फ 1.5 या 2 या 3 किलो का फर्क है, सो देयर इज नो एडेड वेट। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा फर्क है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको फेंडर कट नहीं करना पड़ता, इसमें फेंडर में कोई इश्यूज नहीं, का कोई इश्यू कोई फेंडर कटिंग का इश्यू है, एब्सोल्युटली ओरिजिनल है। अगर तुमने इससे बड़े टायर लोगे तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा, पावर एट व्हील कम होगा और फेंडर काटना पड़ेगा, गियरिंग भी बदल जाएगा सर, गियरिंग बदल जाएगा बिल्कुल सर। ये रीडा रेनेगेड टायर्स मैं भी आज 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी इस पे अबाउट 40,000-41,000 किलोमीटर यूज कर चुका हूँ मैं, और इनकी लाइफ मैं अपनी गाड़ी पे दिखाता हूँ लोगों को कि एक जैसे ये ब्रांड न्यू टायर है ऑलमोस्ट, ये आई थिंक 2-3 हजार ही चला होगा, हाँ 2000, और ये है मेरा जो 40,000 चल चुका है, तो फर्क इतना है इसके अंदर, एंड अभी भी इसमें लाइफ है आई थिंक अबाउट 5-10,000 किलोमीटर की लाइफ अभी भी होगी इस टायर में। सो ये साइज जो है 2, 4, 5, 7, 5, 16, व्हाट इज द रीजन यू चोज दिस साइज? देखो ये इम्पोर्टेंट है, परफॉर्मेंस बेस्ड है एंड कंफर्ट बेस्ड है। इस टायर का एक साइज बड़ा होने से 2.5 किलो का अगर जो वर्क पड़ता है तो टोटल टायर वेट है वो करीब 10 किलो के आसपास पड़ता है मुझे। पावर एट व्हील में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क मुझे नज़र आता है अगर मैं चढ़ाई पे जाता हूँ इसमें, अगर मैं इससे जो बड़ा साइज है जो 85 वाला साइज है अगर वो साइज में लेता हूँ तो पावर एट व्हील रेशियो का इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि चढ़ाई में तुम्हें एक गियर नीचे करना पड़ेगा, एक गियर, हाँ, क्योंकि गाड़ी की गियरिंग बहुत बदल। करेक्ट, 29.5 इंच के ओरिजिनल स्टॉक टायर्स आते थे 2021-2023 गुथा में, और इसके बाद ये 31.5 हो गए हैं, 30.5 सॉरी नॉट 31.5, तो एग्जैक्टली 1 इंच का साइज बड़ा है हमारे टायर के डायमीटर का, बिल्कुल, एंड उससे नीचे से हमारी 13 मिलीमीटर टू द ओरिजिनल, दिस इज 13 मिलीमीटर हाई, यू गेट इट हाई क्लियरेंस, एंड द वेट परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन जो है इसका इज एब्सोल्युटली टॉप। तो मेरी रिकमेंडेशन चेंजेस में यू शुड एक्चुअली गो फॉर दिस टायर, आई विल इवन रेट दिस एट पार विद BFG, नो इश्यूज। द ओनली इशू इन BFG एंड इसमें यह है कि ये 50,000 चलते हैं और BFG 80,000 चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन और BFG का ये है सर कि BFG जैसे जैसे घिसता है उसकी नीचे का रबर या तो ज्यादा हार्ड रहता है या कुछ पता नहीं, शोर भी बढ़ जाता है गाड़ी में और राइड भी, और सेकंडली वेट, मैंने अपनी गाड़ी स्नो में रेन में चलाई है, आप भी अब जाने वाले हैं लद्दाख, आप नोटिस करोगे बारिश में भी आपको रोड होल्डिंग कैपेबिलिटी में बहुत होगी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत होगी, लेकिन BFG में स्लिपेज का प्रॉब्लम आता है इन वेट कंडीशन। जब मैंने अपनी गाड़ी के अंदर लगाया था लिफ्ट किट तो मेरे को काफ़ी अप्रिहेंशन थी, डर था कि शायद CV जॉइंट्स पे बहुत फ़र्क पड़े, और शुरुआत में मेरे CV का बूट भी निकल आया था, वो बूट बदलने के बाद जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, बूट बदलने के बाद मेरा वो इशू सॉल्व हो गया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स का तब भी कहना था कि यार CV का एंगल तो तब भी ख़राब ही है और बूट निकलना, बूट को आपने ठीक कर दिया, बूट अब नहीं निकलेगा, लेकिन CV जिस प्रेशर पे है या जो उसका एंगल गलत हो गया है उसकी वजह से CV में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अजय जी, जैसे जो डर मुझे था, अब मैं इतना आपके जैसे टेक्निकल नहीं हूँ और ना मैं इतनी स्टडी कर पाता हूँ गाड़ी का, मेरे को तो जो चीज़ अच्छी लगी दिखने में, प्रैक्टिकल भी लगी और गाड़ी भी उससे अच्छी लग रही थी, मैंने लगा ली। आपने इसकी काफ़ी स्टडी करी होगी, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, जो दूसरे गुरखा के ओनर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखो, आई एम नॉट एन इंजीनियर बट नॉलेज, हाँ, व्हाट आई कैन टेल यू, इतना ऐसा नहीं है, जो ब्लू गैरेज ने जो किट बनाया है वो उन लोगों ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है, दैट्स नंबर वन। जी जी जी, लोगों को ये अगर लग रहा है कि ब्लू तुमने ऐसे बना के हमें दे दिया, मैं लगाऊंगा मेरी गाड़ी कल को बैठ जाएगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। अब उसका ये टेक्निकल डिटेल में बताया था। जी, नॉर्मली क्या होता है, जो CV एक्सल है, हाँ, बीच में तुम्हारा ट्रांसफर केस है जी, और उसके दोनों साइड में CV है, बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली CV एक्सल जो होते हैं वो 0 डिग्री पे होते हैं। जी जी, मेरी गाड़ी में एट 4 डिग्री शुरुआत से
शुरू हो गया। ये जो हमारा ओरिजिनल है 4 डिग्रीज है मेरा, हाँ 4 डिग्री। हाँ मैंने जब लिफ्ट किट लगाया है उससे पहले मैंने नोट किया था तो वो 4 डिग्रीज था। सब मैं तुमको दे दूंगा। हाँ वो 4 डिग्रीज पे है जी। लिफ्ट किट लगने से पहले अगर तुम उसको फुल ड्रूप पे लेते हो गाड़ी को, हाँ चक्के पूरे नीचे डाल देते हो, लिफ्ट कर लेते हो, गाड़ी जो हैंग करती है उस वक्त जो सीवी का एंगल है फुल ड्रूप 13 डिग्रीज पे है। 13 डिग्रीज है 1-3। सो फ्रॉम 0 डिग्री और 4 डिग्रीज टू 13 डिग्रीज। ठीक है, इतना फ्लक्चुएशन है। ठीक है, ये नॉन लिफ्ट किट पे। हाँ नॉन लिफ्ट पे। जब मैंने लिफ्ट किट लगाया तो मेरा जो एंगल है वो करीब पड़ गया अप्रॉक्सीमेटली 17 डिग्रीज। 17 डिग्रीज। हाँ। अच्छा, और फुल ऑन फुल ड्रूप नहीं, ऑन सिटिंग। अच्छा, ऑन सिटिंग ऑन ग्राउंड इट्स 17 डिग्रीज। ओके, और जब मैंने फुल ड्रूप पे लिया है दैट इज 23 डिग्रीज, 22 डिग्रीज के आसपास है। ठीक है, फुल ड्रूप पे। ठीक है, तो वहाँ पे 5 या 6 डिग्री का तुम्हें मिलता है गाड़ी अप एंड डाउन के लिए। हाँ जी, सीवी एक्सल को तुम्हें समझना पड़ेगा, ये दो पहिए हैं, यहाँ पे जो एक्सल टच करता है वो बॉल जॉइंट है। हाँ जी, बॉल जॉइंट का जो मैक्सिमम एंगल होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मोस्टली 47 डिग्रीज। ठीक है, स्टेयरिंग से तुम गाड़ी टर्न करते हो, चक्के पूरे टर्न करते हैं, इसलिए बॉल जॉइंट वहाँ लगता है क्योंकि वहाँ पे 47 डिग्री एंगल तुम्हें चाहिए। चाहिए जो डिफरेंशियल का जॉइंट है। हाँ हाँ, जो अंदर की तरफ का है, अंदर का है। हाँ वो बॉल जॉइंट नहीं है। हाँ उसको ट्राइपॉड जॉइंट कहते हैं। हाँ, हाँ तो वो जो जॉइंट है उसमें सीवी एक्सल अंदर बाहर जाता है डिपेंडिंग अपॉन ये, जैसे ये है। हाँ। तो ये बाहर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो यहाँ पर जो है जो तुम्हारा रबर बूट है वो हमेशा अंदर बाहर होता है। जी जी जी, इसलिए जो ओरिजिनल रबर बूट है क्रैक कर जाता है। हाँ जी, तो उसका मैंने तुम्हें बताया जो डिजायर है। हाँ। सिर्फ डिजायर। हाँ। का जो डिफरेंशियल बूट है। हाँ। 5 बेलोस का मैंने तुम्हें डिटेल दे दूंगा। हाँ। वो लगा लो। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई, तो तुम्हारा ये इनर जॉइंट है। हाँ। वो जो तुम्हारा जॉइंट है वो ट्राइपॉड जॉइंट है। ट्राइपॉड जॉइंट का जो एंगल मैक्सिमम एंगल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वो होता है 23 डिग्रीज। तो बाहर का 47, बाहर का 47 होता है, इसका 23 डिग्रीज होता है। अच्छा ठीक है जी। जब मेरी गुरखा पूरी जंप करती है इट रेंजेस बिटवीन 21 to 23 degrees ऑन फुल ड्रूप। ओके, सो बेसिकली योर सीवी एक्सल्स आर विद इन देयर परफॉर्मिंग रेंज। ओके, इवन आफ्टर पुटिंग द लिफ्ट किट। और नॉर्मल जैसे मैंने लिफ्ट किट लगाई है लेकिन मेरा यूज मोस्टली माइनर ऑफ रोड ट्रेल रोड्स और ज्यादातर हाईवे पे है, आइडियल है उसके लिए। तो आइडियल है इफ यू आर डूइंग स्ट्रॉन्ग ऑफ रोडिंग, वेरी सीवियर ऑफ रोडिंग, देन यू मे हैव टू थिंक ऑफ डिफ ड्रॉप। डिफ ड्रॉप, हाँ। बट इन 95% ऑफ द केसेस इस सीवी जॉइंट के एंगल के चेंज होने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक बम्प स्टॉप है। मैंने बम्प स्टॉप थोड़ा सा एक्सटेंड कराया है। हाँ। उसको इतना इंक्रीज करो ताकि जो बम्प स्टॉप गैप है वो 1.5 इंच का होना चाहिए। मेरी गाड़ी में ओरिजिनल 1 इंच का था तो 1.5 इंच का होगा, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। यू कैन इजीली इंस्टॉल द लिफ्ट किट एंड कंटिन्यू ऑन टू ड्राइव द कार एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। राइट। वन की थिंग टेक अवे फ्रॉम दिस इज द इसमें लिफ्ट किट इंस्टॉल न करने के बाद जो तुम्हारा ट्रांसफर केस जो है वो तुम्हारी नई गुरखा के ट्रांसफर केस से ऊंचा है। जी, मेरा लोअर आर्म होता था पहले अबाउट 185 mm होता था और उसको अब मैंने 235 mm पे मेरे आगे थे लोअर आर्म्स विद द रेडार रेनेगेड 24575 टायर्स, इनकी भी इसमें यूज होता है। जब मैं ये लिफ्ट किट इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने ये सारी रीडिंग नोट की थी। अच्छा, सारी रीडिंग यहाँ पे है। एज आई सेड, अजय जी थोड़े टेक्निकल हैं, उन्होंने ये पूरी लिस्ट बनाई अपनी लिफ्ट किट लगाने से पहले और उसके अंदर सारे एंगल्स चेक करे बिफोर एंड आफ्टर लिफ्ट, एंड इतना डीप स्टडी उन्होंने कराए एंड वे लकी ही शेयरिंग इट विद अस। एंड सो अजय जी थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ देखो, मैंने 13-17 में 10.5 डिग्रीज है लिफ्ट के बाद। लिफ्ट के बाद, हाँ वही मैंने वही मैंने ये देखो जैसे मैक्सिमम 23 है बट ये उस पेज के उल्टा करोगे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें देखे यहाँ पे तुम्हें एक रीडिंग नजर आएगी 21, 45, 22, 50, 23 विद द लिफ्ट किट ऑन फुल रूप। ठीक है, ऑन फुल रूप कुछ रीडिंग्स हैं वो तुम्हें देखनी पड़ेंगी, जैसे सीवी एक्सल है
31 सेंटीमीटर का सीवी एक्सल है और जब वो फुल रूप पे आता है तो 33 सेंटीमीटर है, ठीक है, दो सेंटीमीटर का बढ़ता है, इसीलिए तुम्हें एलोंगेटेड बूट चाहिए, समझ गए। बट यहाँ पे तुम्हें अब थोड़ा इसके बारे में बताएं, यहाँ पे नजर आएगा जैसे तुम देख रहे हो ये ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है ना, ये 85 से 10 सेंटीमीटर ये उठ गया है, जी 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 जी, बट इट हैज आल्सो कम डाउन, यस यस, नोटिस इट टुडे, या या, इट सेटल्स, इट सेटल्स अबाउट 2 सेंटीमीटर, जी 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 जी, ओके, सभी 91 पे होगा, जी जी जी, ठीक है जी, है ना। और उसके बाद जो ये जैसे ये ग्राउंड का लोअर आर्म देख लो, ये 17 था, आफ्टर लिफ्टिंग दिस वाली 230 mm आ गया जी, बिल्कुल, ये 4.1 डिग्रीज था, इट वाज नाउ आप अभी एक ट्रिप पे गए थे? I went here from here to Binsar, हाँ जी, I went off-roading in Binsar as well, हाँ जी, okay, so I can very easily tell you, Blue Garage Kit has not taken you for a ride. जी, यू कैन वेरी कंफर्टेबली इंस्टॉल द लिफ्ट किट, जी, एंड एंजॉय द लिफ्टेड गोखा। नाउ द लिफ्टेड गोखा हैज वन थिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर इट, इट चेंजेस द प्रोफाइल ऑफ द व्हीकल टोटली, यस, इफ यू, अब जो इसका साइड से एंगल है बिल्कुल इसका नोज स्ट्रेट हो गया है, ड्रूप yes. नहीं कर रही है, यस, एंड द कार इज लुकिंग अपराइट एंड प्राउड, यस, एब्सोल्युटली, एंड द टायर्स आर नॉट सो मैसिव, yes, that they, you only see the tire, you don't see the car, absolutely, so proportional, yeah, lagti hai, proportionality and the macho look of the car increases tremendously, yes, I agree completely, sir, yeah, it's really changed the way the car is looking, yeah, the way it stands, yeah, as I said, it's a leveling kit, piche se bahut zyada nahi uthate hain, aage se uth jati hai, to aage aur piche ka jo droop tha wo khatam ho jata hai, people have wrong notion that by putting longer thicker tires that they are better off, wider no. tires not at no, all that is heavier tires right. bad yeah. idea, yeah, over a period of time when you have experience then you tend to realize ki what is good and what is optimum, right, absolutely, so, yeah, so for this car I would say this is the optimum, so a Blue Garage lift kit with Radar Renegade, yeah, 24575 tires, absolutely, it is suiting this car perfectly, absolutely. So this is the new inner boot. Yes, this is the new inner boot from Swift Desire. Swift Desire. Petrol version. जी. Differential. And ये इसमें देखो five bellows हैं. जी जी. 1, 2, 3, 4, 5. इसका जो length है, ये I think 2 centimeter length ज़्यादा है. ये बहुत soft है. जी जी जी. जो गुरखा का original boot है, ये soft नहीं. नहीं है. जी जी. When you put this, it elongates and elongates enough. It elongates enough for it to take the extensions. Yes. Yes. This boot is 50 rupees. 50 rupees. Imagine. Imagine. 6 or 8 of them. I bought some for you, some for my spare. That's thank 50 you. Bucks. Thank if you. You order on the internet, I think 400 का वो सेट उसके अंदर I think उसकी और भी चीजें हैं part of the kit which are not required. But if you go any automotive shop, ये 50-70 रुपए का मिलता होगा. बम्प स्टॉप दो तरह के होते हैं, ये भी समझ लो, हाँ, एक सीधा बम्प स्टॉप होता है, हाँ, एक इसी जगह कोना होता है, हाँ, जैसे गुरखा में भी ऐसे ग्राउंडेड है, हाँ, दैट इज द कोन वाला जो होता है इट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव बम्प स्टॉप, अच्छा, एज यू मोर यू पुट द प्रेशर, हाँ, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अच्छा, ठीक है, इनिशियली गाड़ी अच्छा चलती है, हाँ, और जैसे तुम उसे और दबाओगे, हाँ, तो फिर वो वापस बम्प आता है, रेजिस्ट मोर, यू आर राइट, दैट इज प्रोग्रेसिव, जी, ओके, प्लेन एंड सिंपल, सो जस्ट change this, change the bump stop and the car is good to go. That's if excellent. You are not changing the bump stop for the time being, even then it's all right. Yeah. ये हमारा जो बड़ा वाला बूट अब मिल रहा है फोर्स मोटर से, ये अंदर वो डिजायर वाला बूट लगा है जो सर ने अभी दिखाया, एंड दिस इज द एंगल दैट ही हैड मेजर्ड, सो इट सीम्स लाइक इट्स परफेक्टली फाइन। बम्प स्टॉप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बम्प स्टॉप सर ने जो चेंज करा है वो कैसे करा है। सो ये है वो प्रोग्रेसिव बम्प स्टॉप जो सर ने अपनी गाड़ी में लगाया है। दिस एज सर इज सेइंग इज टेपर्ड एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव बम्प स्टॉप, तो इससे आपका जो बम्प स्टॉप का इशू था वो भी ठीक हो जाता है। सर
कार के अंदर और भी कुछ स्क्रीन्स और लग गई हैं और चेंजेस आ गए हैं। पीछे भी मुझे दिख रहा है अब आपने काफ़ी अपनी प्रिपरेशन कर रही है अपने अपकमिंग लद्दाख ट्रिप के लिए। डू टेल अस अबाउट द चेंजेस दैट यू हैव डन फॉर योर ट्रैवलिंग, फॉर योर कैंपिंग एंड फॉर योर एक्सप्लोरेशन। वुड लव टू नो। सो सर, व्हाट आर द न्यू चेंजेस? सो दिस इज अ वेरी नाइस सीटिंग थिंग। यस यस, सारे गुरखा ओनर्स को आप ये एक गिफ्ट करो सर। सब जितनी भी गुरखा हैं सबके अंदर ये चाहिए होता है। ये अपना रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। exactly. बिल्कुल ये सर। तीन स्विच तुम्हें पहले पता है? हाँ, ये मेरा रेफ्रिजरेटर का स्विच है जी। रेफ्रिजरेटर ऑन है जी। ये मेरा नीचे की लाइट का स्विच है। हाँ जी। और ये मेरा फ्रंट का जो ऊपर की जो बार की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पिछले वीडियो में देखा था हमने। यहाँ पे ये मेरा 70 माइक का वीडियो कैमरा है, सामने है और बैक में भी है जी। ये गारमेंट का कैमरा है विच आई यूज टू रिकॉर्ड जी, एंड कॉम्प्लीमेंट वीडियो मैप के साथ बनता है जी 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 जी, विच दिस कैन नॉट डू। ओके ओके, गारमेंट डज स्पेशली ऑन दिस पर्टिकुलर। सो आई गारमेंट सूट्स में ये इसमें करता हूं। यू कैन सी द इट इज रिकॉर्डिंग। राइट राइट राइट। वो जो कैमरा है हां जी, दैट इज ए चीप कैमरा, अबाउट आई थिंक 1800 का ऐसे कुछ है जी। तो वो मैंने यहाँ पे लगा हुआ है कि पुलिस वाले पैसे मांगते हैं यहाँ पे यहाँ पे। ये मेरा मेन GPS है। अच्छा, ये आपका मेन गार्मिन का? हाँ, दिस इज गार्मिन मोंटाना 700। ओके सर, ये मेरा मेन GPS है। इसके साथ ये मेरा टैबलेट है जिसमें मुझे गाड़ी का जो आपने ये सारा ही बनता है जी। ये मेरा तुम्हारा मैप है। हाँ, कॉर्डलेस है जी 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 जी। एंड यहाँ पे तुमने देखा, ये मैंने इसको, ये तुम्हारा जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक है उसका मैंने ये फ्रेम बनाया है, ये इसको फिक्स कर दिया है जी जी। इसके पीछे ये मैग्नेट लगा है जी 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 जी। ये मैग्नेट लगा है, सो यू जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड इट्स देयर कंप्लीटली। या बिकॉज यू हैव टू चेंज द बैटरी यस दैट हैपेंस। ये तो इट्स वेरी इजी, नो इश्यूज, वेरी गुड सर। यहाँ पर जो है ये दो मॉड्यूल है, एक तो ये है विच इज सिंगल ओपन। ओके, सो व्हाइल यू आर ड्राइविंग यू एग्जैक्टली इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। या वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन द अदर वन इज दिस, दिस इज वेरी गुड। दिस इज डन बाय सिगरेट लाइटर, सो यू कैन यूज इट फॉर 20 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 90 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज। ओह, so you can make tea. Oh, excellent. You can boil the water 25 minutes mein it boils the water. Ha, okay. Because a cigarette lighter ka wo thoda rehta hai, water boil kar deta hai. If you want to keep the warm, for example you take a tea and you warm it up, yeah. You keep it at 40 degrees, yeah. So the set temperature is very handy. Mere paas ek electric kettle hai jo main cigarette lighter ke se use karta tha, to us pe jo apna cup noodles hote hain, to lunch ke kareeb 20 minute pehle मैं उसको पानी भर के लगा देता था, गाड़ी चलते रहती थी और जैसे ही वो बॉयल होता था हम गाड़ी रोक के उसमें कप नूडल वगैरह बना के खा लेते थे। सो दिस इज, आई वुड कॉल दिस अ कॉकपिट, इट लुक्स मोर लाइक अ कॉकपिट देन अ डैशबोर्ड ऑफ अ कार। मेनी थिंग्स वी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, बट फॉर एग्जाम्पल योर DVR फॉर रिकॉर्डिंग इन साइड, सो दिस विल गिव दिस एंगल बेसिकली, सो वेन एवर समवन इज एट द विंडो they also get recorded. Covers my face as well. Excellent, okay. excellent. ये ऐसी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं सर, बहुत हेल्प करती हैं, स्पेशली इन लीगल इश्यूज़ कभी आप फंस जाएँ तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। And for a traveler, it's very important to remain hassle-free. हाँ, और उसमें जो कार्ड है वो लंबा चला कार्ड नहीं है, मेटल 64 GB का कार्ड है जी। वो ऑन होता है, अपने आप ओवरराइड करता रहता है। हाँ, तो कितनी देर का रिकॉर्ड करेगा? Must be about 30 hours. Oh, that's more than enough. I don't need that. Yeah. Because the incident when it happens, it's only for 10 minutes or 5 minutes. Yeah, exactly. It keeps on recording and erasing it. And पीछे भी कुछ changes हैं. We'll go and take a look at these now. An extra cushion has been added. Yeah, because now you're going to be doing a late trip. Yeah, latest is that your next trip is a Himachal and late. Excellent. I'm sure. काफी अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर्स आपको रास्ते में देखें, आई एम श्योर दे विल रिकॉग्नाइज यू एंड वेव आउट टू यू।
say it's a long trip, 50. I will come back on 2nd August, so it's about 1.5 months. 1.5 month trip. So you're going to spend pretty much a month and a half traveling in this car. And उसके लिए आपने काफ़ी अपने पीछे भी इसकी गाड़ी के पीछे कुछ चेंजेस करें वो दिखाएं। हाँ, दिखाता हूं। जी हाँ। ये तो तुम्हारा नॉर्मल एडवेंचर हट का है। हाँ, जो आपने पहले लगाया हुआ था फॉर योर डेली कुकिंग। हाँ। यहाँ पे मैंने पहले जो वीडियो था उसमें तुमने दूसरा एक फ्रिज था आपका। फ्रिज था, वो मैंने हटा दिया, उसमें प्लस थे माइनसेस थे। I have taken a new one. Ah, I can see that you got a brand new fridge now. And I modified it a bit. Yes. So, सामने तुम देखा है वो लाल स्विच है। जी। That single button है। जी। उसको on off करने से मैं ये फ्रिज मेरा कंट्रोल होता है। जी जी जी। अभी देखा मैंने 2 degree पे सेट किया हुआ है। ये चल रहा है। हाँ, चल रहा है जी। एक degree है। हाँ, 1 degree पे। Okay. और ये Philips का फ्रिज है। जी। इसके ऊपर मैंने ये वुडन ये प्लेट लगा दी है ताकि तुम इसमें कुछ रख सको। जी। ओके। और ये जो चीज़ है ये 12 लीटर का पानी का है। जी। ये भी मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। जी। तो इसको तुम यहाँ से बेल्ट से निकाल सकते हो या पानी भर के डाल सकते। और ये दिस इज फिक्स्ड। एब्सोल्युटली बिल्कुल फिक्स है। और ये तुम्हारा फ्रिज है which is normal, you can touch it and see the temperature inside. Oh yeah, the water is nice and chilled. Excellent. So and it runs. Yeah. And so right now it's running with the help of your solar and your battery. Yes. And the battery will not get discharged because the solar will keep charging. Yeah. Yeah. And Ladakh mein to aapko sunny sun milega sir. Koi problem nahi hai. Bilkul nahi, bahut dhoop rehti hai wahan pe. Ye jo hai yahan se I can monitor. Yes, yes, yes. Hai na? This been shown in the last video. In wo video aapka itna informative, itna helpful tha. It's got 1.9 lakh views already. You know, so that's the amount of respect that people have for you and the changes that you do. It's a good thing to share. Yes. It's a good thing to share things. Huh? Absolutely. It's a knowledge. Absolutely. लोगों के questions भी थे, काफी चीजें हैं जो इंडिया में मिलती भी नहीं है ऐसी। नहीं मिलेंगी। तो वो कोई कह रहे थे कि will he be able to do it for us? You stay, I think, in Switzerland most of the year, and you come down for your travels. So it's not possible for you to be taking up these projects for other people. And Manoj, age भी हो रही है, you know, age is not on my side. No, I understand. 71 plus. जी. Age is not on my side. No, लेकिन इस गाड़ी में मैंने ये किया है. हाँ जी. I have tried to simplify it. Yes, yes. At the same time, जितनी चीजें मुझको जरूरत पड़ती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. तो मैंने जो यहाँ पे ये इसको ना एक सीट निकाल दी है. जी. तो मैंने सीट निकालने से बहुत ज़्यादा स्पेस मुझे मिली है. ये स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा ये है. देखो ये मैंने यहाँ प्लेट लगाई है, ये प्लेट यहाँ तक एक्सटेंड होती है. जी जी जी. ये बिल्कुल आगे तक आ गई. ये बैक सीट को मैंने सबसे पीछे किया हुआ है. जी. ताकि कोई भी बैठे तो उसको आगे पीछे करने में परेशानी ना हो. हाँ, इशू ना हो. उसके बाद यहाँ मैंने पायल लगाए हैं. जी. तो ये नीचे का पूरा एरिया is is usable for luggage. Absolutely. ये पूरा एरिया जो है खाली है, बिना किसी यूज के सामान आदमी रख सकता है. रख सकता है. ये पूरा कॉरिडोर फ्री है. हाँ. इसका मैंने हैंडल निकाल दिया है. हाँ, अंदर बाहर जाने के लिए एक्सटेंशन है यहाँ 6 सेंटीमीटर का. ये काफी मैंने होता बता है, दिया काफी ये पूरा कॉरिडोर फील होता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे मेरा टूल बॉक्स है. जी. इलेक्ट्रिक जैक है स्पैनर के साथ. और ये मेरा वो है, ये वॉशिंग कार वॉशिंग के लिए. कार वॉशिंग का सारा सामान, सारा सामान इसके अंदर आता है. ठीक है. ये मेरा खाने का सारा सामान इसमें है. यहाँ पे जो है जैसे जो पेरिशेबल्स है. हाँ, तो ये पेरिशेबल मेरे 2 डिग्री पे रखा हुआ है. हाँ, तो मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ये सब चीजें आपके आराम से उसके अंदर. ये लाइट ये बहुत अच्छी है यहाँ पे. ये तुम्हें शायद नहीं देखी होगी, ये लाइट है. देखो ये आपकी बाहर की तो लाइटिंग है ही काफी. Exactly. जो आपने ये बाहर लगाई हुई है, मैंने पुराने वीडियो में भी दिखाई थी. Correct. कि द कैंप साइट इज वेल लिट एंड नाउ इवन द इंटीरियर ऑफ अ कार कैन बी वेरी वेल लिट. यहां से तुम्हें ओवरव्यू देखना है पूरा. तो ये आपने पुराने वीडियो में भी देखा था, सर ने अपने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं. एक्स्ट्रा फ्यूल जेरी कैन इधर है एंड ऑल द एक्स्ट्रा कैंप लाइट्स ऑन दिस साइड एंड द कैंप लाइट्स ऑन दिस साइड इज वेल. There's 2 lights for cooking which point down right to the door. So all these things make for a very comfortable trip. जो आपने टायर्स के बारे में बात करी, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता रहे थे. हाँ, लिफ्ट किट का. और लिफ्ट का, लिफ्ट किट के साथ जो अगर नॉर्मल टायर अगर लगाओगे तो वो थोड़े छोटे लगते हैं. जी जी जी. एक साइज बड़ा टायर अगर तुम लगाते हो और इस तरह का टायर लगाते हो आरटी का. जी. तो ये खुद में बड़ा लगता है. जी. जो साइज है साइज से भी बड़ा लगता है ये. जी जी जी. तो आइडियल ये है. और
मैं तो सभी को कहूंगा जिसको मन करता है आराम से लिफ्ट लगाओ, कोई जो अपनी पुरानी गुरखा वाले हैं वो तो सब लगा ही सकते हैं 2021 टू 2023 मॉडल. इफ दे वांट टू अपग्रेड देयर कार्स नाउ लुकिंग एट द न्यू गुरखा विद द मोर ग्राउंड क्लियरेंस एंड यू नो स्लाइटली टॉलर, तो अगर आपका भी मन करता है तो आप लिफ्ट किट और ये 24575 टायर्स या तो रेडार के लगा लीजिए. अगर आपका बजट ऐसा है तो अपना अपटप के भी आते हैं एप्टेरा 82, दे आर वेरी स्मूथ, दे वेरी गुड. मैंने जो डीजल ट्रॉनिक लगाया हुआ है सो P1 पे मैं चलाता हूँ, आई हार्डली फील एनी डिफरेंस. जी 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 जी, हार्डली फील एनी डिफरेंस. वो 115-117 हॉर्स पावर दे देता है, टॉर्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा टायर बड़ा है, इट बिकम वेरी कम्फर्टेबल. एंड देन लिफ्ट किट के लगाने के बाद गाड़ी इतनी अच्छी उठ जाती है कि आई डू नॉट फाइंड द नीड फॉर ए 3-door गुरखा ओनर्स टू गो फॉर द न्यू वन. नो नो नो, नॉट एट ऑल. अगर 3 to 5 में चेंज करना है, द गारंटीड इज ए बेटर ऑप्शन. बट 3 to 3 डज नॉट मेक सेंस. आई प्रेफर दिस वन बिकॉज इट्स tried and tested. Yeah, yeah. अगर किसी के पास already 3-door गुरखा है 2021 के बाद वाली, तो उनको 3-door में upgrade करने की जरूरत नहीं है. अगर वो 5-door लेना चाहते हैं then it makes sense. आपने भी चलाई होगी अभी तक? नई वाली मॉडल मैंने चलाया नहीं है, लेकिन मैं जो करनाल का जो वर्कशॉप है मैंने वहाँ देखा था खड़ा होके. जी जी. और मैंने उसके कुछ मेजरमेंट्स लिए थे इनसाइड, मैंने देखा था. जी. कुछ चीजें पॉजिटिव हैं. जी. कुछ नॉर्मल हैं. हाँ. कुछ तो चलता है जैसे गाड़ी में होता है. पॉजिटिव क्या है, कंफर्ट है कि वो 4-wheel ड्राइव का जो लिवर है वो उन्होंने अब वो नॉब का बना दिया है. हाँ, आई ऑल्सो अग्री कि अगर आप 3-door गुरखा के अंदर डीजल ट्रॉनिक लिफ्ट किट लार्जर टायर्स लगा दें तो 80% वो आपकी नई गाड़ी जैसे बन जाती है एट अ नॉमिनल कॉस्ट. लिफ्ट किट इज अबाउट 20,000. टायर्स, दीज टायर्स आर अबाउट 18,000 ईच. तो 1,00,000 रुपये आप मान लीजिए टायर्स का, लिफ्ट किट का और डीजल ट्रॉनिक 20,000 का. तो 1,40,000 के अंदर अंदर आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट 3-door की परफॉर्मेंस और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस को मैच करने लग जाती है. मुझको एक चीज़ इसमें बहुत पसंद है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैनुअल है. जी 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 जी. जो कि मैं मुझको ज़्यादा पसंद है. जी. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ विद अस, टेलिंग अस अबाउट द लिफ्ट किट और जो आपने इसके अंदर और भी चेंजेस करे हैं, और लिफ्ट किट की जो आपने टेक्निकल नॉलेज आपने शेयर करी है. लोगों का डर जो था कि लिफ्ट किट लगाने से जो इश्यूज आते हैं सीवी जॉइंट के, सीवी के एंगल के, वो आपने दूर करे हैं, उससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस द टाइम एंड गिविंग अस द नॉलेज. एंड आई होप that we make a video soon once you're back from your trip from Leh, and I hope you have a great enjoyable trip in Ladakh, and I hope to welcome you back to this channel soon. Thank you Manoj. Thank you. Come over to Leh. I wish I could but not at the moment. Thank you so much sir. Welcome. To ye video tha hamara about the lift kit and the new changes in Ajay ji's Gurkha. आपने देखा उन्होंने ग्रिल चेंज करी है, रेडार रहने के टायर्स लगाए हैं 2, 4, 5, 7, 5, 16 वाले जो शुरू से मैंने अपनी गाड़ी में लगाए भी हुए हैं, और लिफ्ट किट भी उन्होंने लगाई है. साथ ही साथ लिफ्ट किट लगने से उनकी गाड़ी का जो स्टांस बदला है, जो लुक आ रही है वो आप सबको दिख रही है, और उन्होंने जो स्टडी करी है उन्होंने शेयर करा हमके साथ सब चीज़ें कि गाड़ी के अंदर जो सीवी जॉइंट के एंगल्स हैं वो कितना इफ़ेक्ट होते हैं, उस पर लिफ्ट किट का कोई ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. उन्होंने काफ़ी टेस्ट कर लिए है और मैं भी अब काफ़ी देर से टेस्ट कर चुका हूँ इस गाड़ी को विद द लिफ्ट किट, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट एंड सो इज़ ही. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्पेशली सब्सक्राइब. थैंक्स अ लॉट.